अगर अभी भी आप प्लानिंग कर रहे हैं बीएसएनएल का सिम बाई करने के लिए, तो बीएसएनएल का सिम बाई करने से पहले सबसे पहले आपको कवरेज चेक कर लेनी चाहिए कि आप जिस एरिया में रहते हैं वहां पे बीएसएनएल की नेटवर्क कैसी आ रही है। अब कवरेज चेक करने के लिए बहुत सारे ऐसे वेबसाइट हैं जो कि आपको ऐसा तो जरूर बताते हैं कि कवरेज वहां पे आ रही है या फिर नहीं आ रही है, किस लोकेशन पे ऐसी आ रही है, सभी चीजें, लेकिन उनकी इन्फॉर्मेशन 100% एक्यूरेट नहीं होती है। और आप जिस एरिया में है वहां पे कवरेज की इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी कि नहीं उस वेबसाइट के थ्रू, इसका बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि मैंने भी इन सारे वेबसाइट को यूज किया हुआ है और वहां पे इंफॉर्मेशन जो है वो एक्यूरेट नहीं होती या फिर मिलती ही नहीं है, ठीक है। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको स्पीड टेस्ट एप्लीकेशन का यूज करके कवरेज चेक करने का ऑप्शन बताऊंगा कि आप स्पीड टेस्ट एप्लीकेशन का यूज करके कैसे अपने एरिया में बीएसएनएल या फिर किसी भी अदर नेटवर्क के कवरेज की इंफॉर्मेशन कैसे फ्री में ले सकते हैं, और यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है वो भी 100% एक्यूरेट होगी और आपके लोकेशन पे आ रही है या फिर नहीं इसकी भी जानकारी आपको पूरी तरीके से मिलेगी, ठीक है। तो किस तरीके से चेक करना है ये जानने के लिए आप वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे अपने फोन में स्पीड टेस्ट एप्लीकेशन को ओपन करके रखा हुआ है। यहाँ पे इस एप्लीकेशन का यूज आप करते हैं अपने नेटवर्क की स्पीड को चेक करने के लिए, लेकिन यहाँ पे इस एप्लीकेशन का यूज करके आप ये भी चेक कर सकते हैं कि आप जिस एरिया में हैं वहाँ पे आपके मतलब किसी भी अदर नेटवर्क के बारे में आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि उस नेटवर्क की कवरेज कैसी आती है, 4G 3G 2G या फिर आपके एरिया में जहाँ पे हैं वहाँ पे नेटवर्क कवरेज आएगी या फिर नहीं, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे इस एप्लीकेशन के थ्रू जानने को मिलता है। अभी यहाँ पे भले ही मैंने वाईफाई से कनेक्ट करके रखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे इस मोबाइल में बीएसएनएल का सिम लगा हुआ है, आप यहां पे देख सकते हैं। कवरेज चेक करने के लिए एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करेंगे यहां पे मैप का ये ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, इसमें आपको चले जाना है। मैप का ऑप्शन यहां पे जैसे ही आप चूज करेंगे तो यहां पे आपको दिखाई देगा, ठीक है, आप यहां पे किस कंपनी का नेटवर्क का यहाँ पर फ्रीक्वेंसी या फिर कवरेज चेक करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। बीएसएनएल मैंने चूज करके रखा हुआ है क्योंकि बीएसएनएल का सिम लगा हुआ है। यहाँ पे आप देखिए अभी मैं जिस एरिया में हूं यहाँ पे बीएसएनएल के 4G की स्पीड मुझे मिल रही है, क्योंकि आप यहाँ पे देखिए यहाँ पे अलग अलग कलर्स में यहाँ पे आपको बताया गया है कि कौन सा कलर किस लिए है। तो यहाँ पे ये जो इसको बोल सकते हैं स्काई ब्लू या फिर थोड़ा सा कलर करेक्शन अगर कुछ गलती हो रहा होगा तो आप मुझे बताइएगा, ये ब्लू वाले का मतलब है कि यहाँ पे अभी मैं जिस एरिया में हूँ यहाँ पे 4G आ रही है, ठीक है। थोड़ा सा अगर आप जूम आउट करेंगे तो आप यहाँ पे देखिए यहाँ पे रेड एरिया में जो भी ऑप्शन यहाँ पे बताया गया है यहाँ पे इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई भी नेटवर्क कुछ भी नहीं आ रही है, जैसे कि यहाँ पे नन है तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रही है। यहाँ पे अगर येल्लो साइन में रहेगा तो यहाँ पे 2G और 3G आ रही है इस एरिया के अंदर, ठीक है। उसके अलावा अगर ये ब्लू कुछ ज़्यादा डार्क ब्लू में होगा तो यहाँ पे 5G आ रही है। वैसे अभी 5G लॉन्च नहीं हुई है, लेकिन हो सके कि यहाँ पे नेटवर्क इस एरिया के अंदर अभी मैं जहाँ पे हूँ यहीं पे सामने नेटवर्क है, मैंने दिखाया हुआ अभी अपनी दूसरी वीडियो में कि नेटवर्क यहीं पे पास में ही है, तो हो सके वहाँ पे नेटवर्क की स्पीड अच्छी आ रही हो इस वजह से यहाँ पे 5G का यहाँ सिग्नल दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी 5G लॉन्च नहीं हुई है तो उसको लेकर आप कन्फ्यूज ना हो। रही बात कि 4G की कितने दूर में एरिया में आ रही है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे कोई दूसरा ऑपरेटर भी सिलेक्ट करते हैं, मान लीजिए जैसे मैं जियो सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखिए जियो की 5G कहाँ पे आ रही है, 4G कहाँ पे आ रही है, 2G कहाँ पे आ रही है, 2G तो है ही नहीं इनका, तो यहाँ पे हो सके नेटवर्क स्लो आ रही हो इस वजह से 2G का यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप स्पीड टेस्ट एप्लीकेशन का यूज करके बहुत ही आसानी से अपने एरिया में चेक कर सकते हैं कवरेज की कैसी आ रही है, कौन सा नेटवर्क आपके एरिया में अच्छा वर्क करता है या फिर खराब वर्क करता है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा इस एप्लीकेशन का यूज करके। स्पीड टेस्ट एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर में बहुत ही ईजिली मिल जाएगा। प्ले स्टोर ओपन करेंगे, यहाँ पे अगर आप सर्च करेंगे स्पीड टेस्ट तो आप यहां पे देखिए यह एप्लीकेशन आपको दिखाई देगी। इस एप्लीकेशन का यूज करके आप कवरेज वगैरह चेक कर सकते हैं। तो बस फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद।